दोस्तों बॉलीवुड में हर दिन एक नए चेहरे नजर आते हैं जिनमें से स्टार किड्स के लिए बॉलीवुड में एंट्री लेना आसान है और वही एक आउटसाइडर को एक ऑडिशन देने के लिए लाइन में धक्के खाना और धक्के खाने के बाद भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों आज हम ऐसे ही एक आउटसाइडर एक्टर कार्तिक आर्यन के बारे में जानेंगे कि कैसे कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आज ये बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी में से एक है। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कार्तिक आर्यन की लाइफस्टाइल और इनकी पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे और साथ ही इस वीडियो में आपको कार्तिक आर्यन के बारे में ऐसी बात पता लगेगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कार्तिक आर्यन का रियल नेम है कार्तिक आर्यन तिवारी और इनका निक नेम है गुड्डू। कार्तिक आर्यन प्रोफेशन से एक एक्टर और मॉडल है और वही कार्तिक आर्यन नेशनैलिटी से इंडियन और रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन के अर्ली लाइफ की। तो कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और वही 2022 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 32 साल। कार्तिक आर्यन अपने बचपन के टाइम में ही शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार से बहुत इंस्पायर हुए थे और वो भी एक एक्टर बनना चाहते थे, मगर जब भी ये अपने किसी दोस्त को यह बात बताते तो सभी लोग कार्तिक आर्यन का मजाक उड़ाते थे, इसलिए कार्तिक आर्यन अपने ड्रीम के बारे में किसी को बताना ही छोड़ दिए और खुद सोचते थे कि वो आगे चलकर एक एक्टर कैसे बन सकते हैं। मगर कार्तिक आर्यन के माता पिता दोनों डॉक्टर लाइन में होने के कारण इनके माता पिता की इच्छा थी कि कार्तिक आर्यन भी बड़े होकर एक बहुत बड़े डॉक्टर बने, मगर कार्तिक को तो कुछ और ही मंजूर था। कार्तिक आर्यन ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत सोचा और पता किया कि एक एक्टर कैसे बनते हैं, तो इन्हें पता चला कि एक एक्टर बनने के लिए पहले मुंबई जाना पड़ता है और वहां से ही लोग एक्टर बनते हैं जैसे शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार बने। कार्तिक को उन्हें उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्हें पहला रास्ता दिख गया था कि वो एक्टर कैसे बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसलिए इन्हें दिल्ली का नहीं बल्कि मुंबई के कॉलेज में एडमिशन करवाया। कार्तिक आर्यन अपने पढ़ाई के ही बहाने मुंबई चले गए। वैसे इन्होंने अपने माता पिता को यह नहीं बताया था कि वो असल में इंजीनियर नहीं बल्कि एक एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टर बनने के लिए यह मुंबई जा रहे हैं, ना कि कोई इंजीनियर बनने, क्योंकि कार्तिक आर्यन ने जिसको अपने एक्टर बनने की बात कही थी वो सभी लोग कार्तिक आर्यन का मजाक उड़ाए थे, इसलिए इन्होंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं। वैसे कार्तिक आर्यन ने अपने स्कूल की पढ़ाई ग्वालियर के ही एक स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर आगे चलकर इन्होंने मुंबई के डीबाई पाटिल कॉलेज से इंजीनियरिंग के बहाने एक्टिंग सीखने और एक एक्टर बनने मुंबई आ गए थे। कार्तिक आर्यन मुंबई आने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिए, मगर पूरा अपना फोकस एक्टिंग में लगा दिए क्योंकि इन्हें एक एक्टर ही बनना था। यहाँ आने के बाद इन्हें पता चला कि एक्टर बनने के लिए पहले मॉडलिंग करनी पड़ती है, इसलिए कार्तिक ने तुरंत मॉडलिंग करना चालू कर दिए और फिर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करने की सोची जहाँ से वो बहुत ही अच्छे से एक्टिंग सीख सकते हैं। मगर कार्तिक के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें क्योंकि इन्हें घर से मात्र पढ़ाई करने के लिए ही पैसे आया करते थे, इसलिए इन्होंने शुरुआत में कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया, सिर्फ वह मॉडलिंग करते और फिल्मों के लिए ऑडिशन देने जाते। मगर इनके एक्टर बनने की जुनून और इनके पर्सनैलिटी को देखते हुए इन्हें एक इंस्टीट्यूट में ले लिया गया बिना कोई फीस के, क्योंकि कार्तिक आर्यन ने इस इंस्टीट्यूट वाले से साफ साफ बता दिए थे कि वो घर से झूठ बोल के इंजीनियरिंग के बहाने एक्टर बनने आए हैं और यह बात सुनकर इंस्टीट्यूट वालों ने कार्तिक आर्यन को बिना कोई फीस के एक्टिंग सीखने का अलाउ कर दिया। फिर जिसके बाद से यह लगातार डेली अपने कॉलेज की क्लास को छोड़कर फिल्मों के लिए ऑडिशन देने चले जाते थे। फिर काफ़ी ऑडिशन देने के बाद इन्हें फिल्में में नहीं बल्कि छोटे मोटे एड्स के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता था, मगर कार्तिक आर्यन को तो फिल्मों में काम करनी थी, इसलिए इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और लगातार फिल्मों के लिए ऑडिशन देते रहे। कई बार तो कार्तिक आर्यन के फेस को देखकर ही कार्तिक आर्यन को छाड़ दिया जाता था, जिससे कार्तिक आर्यन बहुत डिमोटिवेट भी हो जाते थे। मगर कार्तिक आर्यन ने कभी हार नहीं मानी और वो ठान लिए थे कि जब भी वो घर जाएंगे एक एक्टर बनकर ही जाएंगे। फिर आखिर में सैकड़ों जगह से रिजेक्ट होने के बाद कार्तिक को एक मूवी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, जिस मूवी का नाम था प्यार का पंचनामा, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। इन्हें एक मूवी को पाने के लिए पूरे 3 साल तक इन्होंने रिजेक्शन और फेलियर को फेस किया और कई फेलियर्स को फेस करने के बाद इन्हें यह मूवी मिली थी, इसलिए कार्तिक आर्यन सोच लिए थे कि इस मूवी में यह अपना जी जान लगा देंगे इस मूवी को बेस्ट बनाने में, और वैसा ही हुआ। कार्तिक आर्यन ने इस मूवी में अपना 100% लगाया और जब यह मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी में कार्तिक आर्यन की एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी सराहा।
और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही एक सुपर जुपर हिट मूवी साबित हुई। और फिर अगले साल ही इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही इन्हें साल 2013 में एक और मूवी के लिए ऑफर किया गया जिसका नाम था आकाशवाणी, जो कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप हुई क्योंकि बीच में कार्तिक आर्यन अपनी पढ़ाई पर फोकस कर दिए थे, इसलिए इन्होंने इस मूवी में उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनकी यह मूवी फ्लॉप हुई। मगर फिर इनके अगले साल 2014 में आई इनकी मूवी कांची, यह भी बॉक्स ऑफिस पर आते ही फ्लॉप साबित हुई। लगातार दो मूवी फ्लॉप हो जाने के बाद कार्तिक आर्यन कुछ समय के लिए उदास हुए और फिर सोच लिए थे कि अब की बार जो भी मूवी आएगी उसमें ये अपनी जी जान लगा देंगे। फिर जिसके बाद इनकी अगली फिल्म आई प्यार का पंचनामा 2, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई और इसी मूवी से कार्तिक आर्यन ने अपने डूबते करियर को संभाल लिया। फिर जिसके बाद से कार्तिक आर्यन ने बहुत सारे फिल्में में काम की जिसमें से इनकी अधिकतर मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ही साबित हुई, जैसे कि सोनू की टिट्टू की स्वीटी, लुक्का छुपी और लव आजकल। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कार्तिक आर्यन की मूवी ज़्यादा पसंद है। वैसे चलिए दोस्तों अब मिल लेते हैं कार्तिक आर्यन के फैमिली से। तो कार्तिक आर्यन के फादर का नाम है डॉक्टर मनीष तिवारी और वही इनकी माँ का नाम है माला तिवारी और वही इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है कृतिका तिवारी, जो कि यह भी एक डॉक्टर है। वैसे चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन के इनकम की। तो कार्तिक आर्यन एक मूवी करने के 7 से 10 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं और वही यह एक ब्रांड प्रमोशन करने के 1 से 2 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं और इन्होंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है जिससे भी इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इनके पूरे नेटवर्थ की तो कार्तिक आर्यन की पूरी नेटवर्थ है 40 से 50 करोड़ रुपीज़। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन के हाउस की। तो कार्तिक आर्यन मुंबई की यारी रोड भेड़सोडा में एक शानदार घर में रहते हैं और आप इनके घर की कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। वैसे चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन के कार्स कलेक्शन की। तो कार्तिक आर्यन के पास एक BMW 5 सीरीज कार है जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपीज़ और वही इनकी दूसरी कार है मिनी कॉफर जिसकी प्राइस है 40 लाख रुपीज़ और वही इनके पास एक लंबरगिनी कार है जिसकी प्राइस है 4.5 करोड़ रुपीज़, जो कि इनकी ड्रीम कार थी। तो दोस्तों यह थी कार्तिक आर्यन की लाइफस्टाइल और इनकी पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। वैसे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कर दे इस वीडियो को लाइक और साथ ही ऐसे ही लाइफस्टाइल और लाइफ स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।